अस्सलाम वालेकुम बीकॉम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आयशा यासीन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल बिज़नेस। आज हम देखेंगे स्मॉल बिज़नेस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। स्मॉल बिज़नेस एक प्राइवेटली ओन कॉरपोरेशन पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है, जिसमें बहुत थोड़े से एम्प्लॉयज़ होते हैं और जिसका एनुअल रेवेन्यू रेगुलर साइज बिज़नेस या कॉरपोरेशन से बहुत कम होता है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन फेयर वर्क एक्ट 2009 के मुताबिक जो स्मॉल बिज़नेस होता है उसके अंदर रेंज जो इम्प्लॉयज़ होती है वो 15 होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के मुताबिक इसके अंदर 50 इम्प्लॉयज़ होते हैं, जबकि यूएस स्मॉल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत ये उन बिज़नेस को कहा जाता है जिसके अंदर 500 इम्प्लॉयज़ होते हैं, क्वालिफाई करते हैं। स्मॉल बिज़नेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, नंबर वन जैसे ग्रोसरी स्टोर्स, रिटेल, कन्वीनियंस स्टोर्स, बेकरीज और हेयर ड्रेसर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस, फोटोग्राफर्स, मैन्युफैक्चरिंग, वेब डिज़ाइन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, डेंटिस्ट, मेडिकल स्टोर्स एट्सेट्रा। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन की बात की जाए, इसको चार टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, माइक्रो, कॉटेज, स्मॉल, मीडियम। सारे ही स्मॉल बिज़नेस के अंदर आते हैं। इसके अंदर माइक्रो होगा वो छोटे लेवल पे, जो जैसे घर पे होता है, इसके अंदर कैपिटल होगा ज़्यादा ज़्यादा 50,000 तक, कॉटेज होगा 5,000 से 50,000 के दरमियान में आते हैं, स्मॉल बिज़नेस है 50,000 से 50 लाख तक आ जाता है, 5 लाख, मीडियम 5 लाख से लेकर 20 मिलियन तक आ जाता है। ये सारे इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन होते हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस की है। एम्प्लॉयमेंट साइज़ की बात करें तो हर एक में डिफरेंट है, कम से कम 5 वर्कर होते हैं, जैसे घर में अगर किसी ने बिज़नेस ओपन किया हुआ है, कोई दुकान खोली हुई है, कॉटेज है 6 to 9 वर्कर्स जैसे करियाने की दुकान होती है, 10 to 99 वर्कर्स जैसे पार्लर्स होते हैं, कारपेंटर्स और इस तरह, और मीडियम है 100 to 199 यानी कि जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं या केटरिंग सर्विसेज होते हैं, ये उसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे स्मॉल बिजनेस हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले ये तो ये है कि स्मॉल बिज़नेस को प्राइवेटली ओन किया जाता है, जो ऑनर होता है वो खुद ही ओन करता है, प्राइवेट बिज़नेस होता है, इसके अंदर मैनेजमेंट नहीं होती या बहुत कम मैनेजमेंट होती है, फ्यू लेयर्स यानी कि ऑनर ही मैनेजमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, ये सिर्फ अपनी ज़रूरत को ही पूरा किया जा रहा होता है और अपने जो बिज़नेस फील्ड है उसको डोमिनेट नहीं कर सकता ड्यू टू इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की वजह से। फीचर्स में इसके पास है, कैपिटल बहुत कम होता है, लेकिन जितना कैपिटल कम होता है उतनी ही लेबर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे बिज़नेस के अंदर लेबर की तादाद ज़्यादा होती है, लेबर ज़्यादा तादाद में ऐसे बिज़नेस को फोकस कर रहे होते हैं। स्पेशलाइज और स्किल और सर्विसेज एफिशिएंट जो कि होती हैं वो नहीं होती हैं इस बिज़नेस के अंदर, स्मॉल जिस एरिया के अंदर होता है बिज़नेस उसी के अंदर ये सक्सेसफुल होता है, उसी मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है। अनस्टेबल मार्केट्स यानी कि मार्केट स्टेबल हो अनस्टेबल हो ये बिज़नेस चल जाता है, उसी के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है। क्लोजर टू द मार्केट प्लेस यानी कि ये कस्टमर और एम्प्लॉयज़ दोनों के नज़दीक होते हैं, सेलर और बायर जहाँ नज़दीक होते हैं ये बिज़नेस वहाँ पर होता है, ऑनर्स ही वर्कर होते हैं यानी कि ऑनर ही मैनेजर होता है और ओनर ही एम्प्लॉई होता है, कैपिटल ओनर ही लेके आता है, और जहाँ पे ये वर्क है जैसे गली मोहल्लों में या कोई एक स्पेसिफिक स्मॉल एरिया होता है वहाँ पे बिज़नेस काम कर रहा होता है, और इसके बिज़नेस की तादाद बिज़नेस का जो साइज़ होता है वो इंडस्ट्री से बहुत छोटा होता है। इंडस्ट्री का मतलब है कि वो सनत आती है जिसके अंदर तमाम प्रोडक्शन हो रही होती है, इंडस्ट्री एक्चुअली उसको कहते हैं जिसके अंदर तमाम सनतें तमाम बिज़नेस मो जाते हैं, और ये तो एक बिल्कुल स्मॉल पार्ट ऑफ द बिज़नेस होता है। पर्सनलाइज इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो ऑनर है उसका एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ और जो ऑनर होता है उनके दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम होता है, और एम्प्लॉयज़ ऑनर के मफाद में काम कर रहे होते हैं, और ऑनर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ओनर के प्रॉब्लम्स हैं या एम्प्लॉय के प्रॉब्लम है, दोनों मिलके ही सॉल्व कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पॉलिसीज़ ओनर बना रहा होता है और उसको फिर खुद ही चेंज भी कर रहा होता है, इंटरफेयर भी कर रहा होता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, और सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग होता है यानी कि इसके अंदर कोई डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई इशू नहीं होता, एक खाली
गुलदस्ते के ऊपर ही एक जो ऑनर होता है वो अपने हिसाब किताब मेंटेन कर रहा होता है, कोई उसको कोई स्किल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट लाइक MBA, BBA या BCom एट्सेट्रा इंडिपेंडेंट होता है अपने मामलात के अंदर। डिफरेंस क्या होते हैं स्मॉल बिजनेस और बिग एंटरप्राइज में, सबसे पहले कि चेंज कहाँ आता है। स्मॉल बिजनेस में चेंज आता है जब उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या वो डेड हो जाता है या उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। यहाँ पे स्मॉल बिजनेस बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, उसकी जो माली हालत है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। बिग एंटरप्राइज में चेंज कब आता है, जब बिग एंटरप्राइज की नेचर चेंज होती है, एक्सपेंड हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, यानी कि काम हो रहा होता है, उसकी नेचर चेंज होती है एक नेचर से दूसरी। ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो वो ट्रेडिंग सर्विसेज में आ रहा होता है। स्मॉल बिजनेस के अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेशन है वो सारा काम स्मॉल बिजनेस में ऑनर कर रहा होता है, जबकि बिग एंटरप्राइज में ऑनर ये काम नहीं करता है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स ये वाला काम करते हैं। स्मॉल बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक पावर लिटल होती है, नन होती है, जबकि बिग यानी कि इकोनॉमी को ये इफेक्ट करने की जो पावर, जबकि बिग एंटरप्राइज ये ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस होता है। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, डिफ़िकल्टी ऑफ रेजिंग कैपिटल, ऐसे बिजनेस के अंदर कैपिटल बहुत शॉर्ट होता है और कैपिटल को बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेड एरिया में काम कर रहा होता है। फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं होती, अनट्रेंड मैनेजमेंट, अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, और एम्प्लॉयज़ की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है प्रमोशन की वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ एक लिमिटेड टाइम में काम कर रहे होते हैं, लिमिटेड वर्क काम कर रहे होते हैं, उन्हें कहीं वहाँ से कोई भी ट्रेनिंग हासिल नहीं हो रही होती है, तो इस वजह से उनका अपना मफाद भी यहाँ पे कम से कम ही होता है। इम्पोर्टेंस क्या होती है ऐसे बिजनेस की, कि ऐसा बिज़नेस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा होता है, सोसाइटी की मदद कर रहा होता है, यानी वो लोग जो दूर दराज इलाकों में जाके अपना मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले सकते, ऐसे बिज़नेस उनको उनके घर के पास चीज़ें फ्राहम करते हैं। उन्हीं इलाकों में एक छोटी सी इनोवेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक करियाने की दुकान है, अगर वहाँ पर 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं तो वो 5 से 6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, और उसी अगर एक मोहल्ले में 3 से 4 दुकानें हो जाती हैं तो 3 से 4 दुकानें यानी जितने भी लोग पे काम करें उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाता है। रेवेन्यू बहुत कम होता है और लेकिन रेवेन्यू एक जनरेट हो रहा होता है, कंपटीशन प्रोवाइड किया जा रहा होता है, यानी उसी एक इलाके में एरिया में जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनका आपस में एक आता है। फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर्स हैं सबसे पहले बिज़नेस साइकिल। बिज़नेस साइकिल में एक्चुअली वेरिएशंस होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी दोनों का इन्फ्लुएंस आता है, जिसकी वजह से बिज़नेस के ऊपर फेलियर या सक्सेस पे डिपेंड कर रहा होता है। महंगाई हो रही है या नहीं हो रही, चीपनेस हो रही है, गुड्स चीप हो रही हैं तो ये डिपेंड करता है। टैक्स कट हो रहा है, टैक्स कट एक्चुअली इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड, कॉजिंग एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। बिजनेस साइकिल एक्चुअली इज़ द क्रूशियल फॉर बिजनेस फॉर ऑल काइंड, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अगर तो सोसाइटी में बूम आ रहा होता है, हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग हो जाती है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करता है। प्राइसेस और कॉस्ट जो है वो दोनों ही ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल फर्म्स, यानी कि फर्म्स का जो इन्फ्लुएंस आता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का रेगुलेशन एक्चुअली इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट रेगुलेशन दोनों, अगर तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो ये इफेक्ट करता है बिज़नेस को टू वेज में। नंबर वन, कस्टमर विद डेट्स हैव लेस इनकम टू स्पेंड बिकॉज दे आर पेइंग मोर इंटरेस्ट टू लैंडर्स, यानी कि सेल्स गिर जाती हैं इसकी वजह से। और स्मॉल फर्म्स डिपेंड ऑन क्रेडिट सच एज बैंक लोन। स्मॉल फर्म दूसरा तरीके है, यानी स्मॉल फर्म्स क्रेडिट पे डिपेंड कर रहा होता है, सच एज बैंक लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट टू हेल्प फाइनेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज। अच्छा जी, नेक्स्ट है फाइव, स्मॉल बिजनेस फेल। स्मॉल बिजनेस क्यों फेल कर जाता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। जो ऑनर होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कम से कम होता है। लैक ऑफ मनी की कैपिटल है, रॉन्ग लोकेशन है, अगर उसने अपना कारोबार एक अच्छी सी प्लेस देख के उसके ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, तो रॉन्ग लोकेशन का अगर आपका आइडिया ही गलत है तो आपका बिज़नेस फेल कर जाएगा।
मिसमैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, यानी कि आपने इन्वेंट्री प्रोडक्शन, कौन सी प्रोडक्ट्स को बनाना है कौन सी को नहीं बनाना, ये बहुत बड़ी, यानी कस्टमर की डिमांड को देखा जाता है। पुअर क्रेडिट प्रैक्टिसेस, पुअरली प्लान्ड एक्सपेंशन, यानी कि अगर कोई ऑनर अपना बिजनेस चेंज करना चाहता है या एक्सपेंड करना चाहता है तो एक्सपेंशन में भी देखा जाएगा कि उसका प्लानिंग क्या है। अगर तो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कस्टमर डिमांड चेंज हो जाती है या कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो भी बिजनेस फेलियर हो। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है कि रीच, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं बिज़नेस के लिए, कि वो रीच टू माय पोटेंशियल्स, यानी कि ऑनर ही अपने आप को बॉस समझ रहा होता है, उसके माइंड में ऑल टाइम मनी मनी और उसने सोसाइटी को सर्व करना होता है, पोटेंशियल्स, अपने सारे पोटेंशियल जो हैं वो अपने बिज़नेस के अंदर लगा देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बीकॉम, अपना ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ बातें हमने डिस्कस की हैं और इसको अपने अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।